तो आज मुझे मिल चुका है गड़ीना फ्री फायर के नेक्स्ट OB39 पैच अपडेट का एडवांस सर्वर। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसे मेजर चेंजेस जो नेक्स्ट पैच अपडेट में गेम के अंदर होने वाला है। तो रिसेंट टाइम में आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा कि हमारे गेम के अंदर ओल्ड आइटम फिर से रिटर्न आने वाला है। तो आज का वीडियो अगर आप लोग पूरा देखते रहोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या कोई पुराना आइटम फिर से रिटर्न आने वाला है या फिर नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट करे सीधा चलेंगे वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल वाला आइकन है उसको दबा के ऑल पे सेट कर देना, ताकि मैं ऐसे जो वीडियोस अपलोड करूंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए, सबसे पहले आके आप लोग वीडियोस को देख सको। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि हर एक पैच अपडेट के साथ गड़ीना हमें जो एक नया कैरेक्टर देती है, एंड इस अपडेट में भी एक नया कैरेक्टर हम लोगों को मिलने वाला है। एंड ये होने वाला है एक्टिव स्किल कैरेक्टर, जिसका नाम आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, ओरायन। एंड इसका एनिमेशन तो आप लोगों ने देख ही लिया। सब बात कर लेते हैं इसके एबिलिटी की। तो जब आप लोग इस एक्टिव स्किल कैरेक्टर के साथ गेम स्टार्ट करोगे तो आपका जो ईपी बार रहता है वो कन्वर्ट हो जाएगा क्रिम्सन एनर्जी बार में, एंड वो येलो की जगह रेड कलर का दिखेगा कुछ इस तरीके से। एंड उसका जो हेल्थ होगा, मतलब 200 की जगह वो 300 हो जाएगा। एंड इस एक्टिव कैरेक्टर को यूज़ करने के लिए आपका जो वो क्रिम्सन एनर्जी बार है वो मिनिमम 150 होना चाहिए। तो जब आपके पास 150 क्रिम्सन एनर्जी रहेगा, तब अगर आप लोगों ने अपना एक्टिव स्किल यूज़ किया तो आप लोग 3 सेकंड के लिए इनवल्नरेबल हो जाओगे, मतलब आपको ना कोई डैमेज मिलेगा ना कुछ। एंड एक ऑरा का रिंग बनेगा जिसके अंदर अगर कोई एनिमी रहेगा तो उसको 5-5 करके मैक्सिमम 30 का डैमेज मिलने वाला है। एंड मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोग इनवल्नरेबल हो जाओगे, मतलब अगर आप लोगों ने इस कैरेक्टर को यूज़ किया उस टाइम पे आप लोगों को किसी भी तरीके का डैमेज नहीं मिलने वाला है, चाहे वो ड्रॉप का डैमेज हो या फिर जोन का। तो आप लोग 3 सेकंड के लिए कोई भी डैमेज नहीं रिसीव करो। तो ये था हमारा इस पैच अपडेट का नया कैरेक्टर। अभी बढ़ते हैं दूसरे चेंज की तरफ। एंड ये होने वाला है हमारा न्यू अवेकन कैरेक्टर, जो कि होने वाला है इलाइट अल्वारो। एंड इसका आप लोग एनिमेशन स्क्रीन में देख ही सकते हो। एंड इसका नाम दिया गया है अल्वारो रेज ब्लास्ट। तो इसके एबिलिटी कुछ इस तरीके का होगा, जब आप लोग ग्रेनेड को कुक करोगे या फिर ग्रेनेड को फेंकोगे तो फटने के ठीक 1 सेकंड पहले वो जो ग्रेनेड है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मतलब एक तो आपका मेन ग्रेनेड रहेगा, उसका जो है और 3 हिस्सा बन जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, वो ग्रेनेड फटने से पहले 3 और पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एंड उसका जो डैमेज है वो ग्रेनेड के मेन पार्ट का 30% डैमेज डील करेगा, मतलब हर एक जो छोटा पार्ट होगा वो मेन ग्रेनेड का 30% डैमेज डील करेगा। तो अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एंड ये होने वाला है कैरेक्टर स्किल का रीवर्क, जो होने वाला है डाशा के साथ। तो करेंटली हमारे गेम के अंदर जो डाशा कैरेक्टर है उससे आप लोगों को पता होगा जो फॉल डैमेज है वो 70% रिड्यूस हो जाता है, एंड जो गन का रिकॉयल होता है वो 10% रिड्यूस हो जाता है। बट अपडेट के बाद जो डाशा कैरेक्टर का रीवर्क होने वाला है, उससे क्या होगा, जब आप लोग किसी भी एनिमी को नॉक करोगे या फिर किल करोगे तो वो कैरेक्टर जो है हाईलाइट मोड में चला जाएगा। उस टाइम पे जो है आपका गन का रेट ऑफ फायर 18% से बढ़ जाएगा, एंड आपका जो मूवमेंट स्पीड होगा वो 12% से इंक्रीज हो जाएगा। एंड ये जो 6 सेकंड तक रहेगा, एंड अगर आप लोगों ने उस 6 सेकंड के बाद एक और एनिमी को नॉक किया तो आपका जो रेट ऑफ फायर है फिर से बूस्ट होगा, लेकिन वो 18% की जगह 4% से होगा। एंड आपका मूवमेंट स्पीड भी 3% से बूस्ट हो जाएगा। एंड अगर आप लोगों को जानना है कि आप लोगों का बूस्ट जो है वो किस तरीके का होगा, तो आप लोग ये बैकग्राउंड क्लिप को ठीक तरीके से देखो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने लूना कैरेक्टर का भी यूज़ नहीं किया है, एंड आप लोगों ने नॉर्मल मेरा रेट ऑफ फायर देखा। अभी देखने एक नॉक निकालने के बाद मेरा UMP का रेट ऑफ फायर कितना बढ़ जाता है। एंड यहाँ पे मैं जो आप लोगों को कोई वॉइस ओवर नहीं देने वाला हूँ, सो आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। डबल किल। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो करेंटली आप लोगों को पता होगा कि हम जब गेम स्टार्ट करते हैं वहाँ हमें 2 प्रीसेट का ऑप्शन मिलता है, एंड इस अपडेट के बाद वो जो प्रीसेट का ऑप्शन है वो बढ़ के 5 कर दिया जाने वाला है। एंड यहाँ पे आप लोग 5 अलग अलग प्रीसेट को सेव करके रख सकते हो अलग अलग नेम से, ताकि जब भी आप कोई भी गेम मोड स्टार्ट करना हो आप लोग सिंपली प्रीसेट को चेंज करके अपना गेम मोड स्टार्ट कर सको। तो करेंटली आप लोग अगर गेम खेल रहे होगे तो आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो कैरेक्टर होता है वो लेवल 6 तक जाता है, लेकिन ये जो नेक्स्ट अपडेट होगा इसके बाद से जो कैरेक्टर का लेवल है वो बिल्कुल गेम से रिमूव कर दिया जाएगा। मतलब अगर आप लोग कोई भी कैरेक्टर को अनलॉक करते हो तो आप पे कोई लेवल नहीं होगा, मतलब वो लेवल 1, 2, 3, 4 का कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, सीधा आप लोग उस कैरेक्टर का पूरा एबिलिटी का
मजा ले सकते हो। तो करेंटली अगर आप लोग किसी भी कैरेक्टर को मैक्स करते हो तो आप लोगों को जो है एक बैनर मिलता है मैक्स लेवल पे, लेकिन इस अपडेट के बाद जो है कोई कैरेक्टर लेवल नहीं होगा। सो बैनर लेने के लिए आप लोगों को उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ मैचेस खेलने होंगे, एंड मैचेस खेलने के बाद जो है एक बॉन्ड स्कोर इंक्रीज होने वाला है, एंड वो बॉन्ड स्कोर जो है लेवल 1 पे पहुंचने के बाद आपको जो है उस कैरेक्टर का अवतार मिल जाएगा, एंड लेवल 2 पे पहुंचने के बाद आपको उसका बैनर भी मिल जाएगा, एंड यहाँ पे लेवल 3-4 में भी कुछ रिवॉर्ड मिलेंगे। सो वो अभी तक रिवील नहीं किया है गड़ीना वालों ने, तो पता नहीं शायद पैच अपडेट के साथ आप लोगों को वो भी मिल जाए। सो नेक्स्ट जो चेंज होने वाला है वो होने वाला है लोड आउट में। सो आप लोगों को पता होगा करेंटली जो है जितने भी लोड आउट है हमारे गेम के अंदर उनमें से सबसे ज्यादा यूजफुल है बोन फायर। तो इस अपडेट में बोन फायर को जो है बहुत ज़्यादा नर्फ किया जा रहा है। यहाँ पे आप लोग बैकग्राउंड में कंपैरिजन देख सकते हो, करंटली अगर आप लोग बोन फायर यूज़ करते हो तो आप लोगों को 15 एचपी एंड 10 ईपी मिलता है, लेकिन इस अपडेट के बाद जो है 10 ईपी एंड 10 एचपी मिलेगा हर एक सेकंड में। एंड आप अभी अगर आप लोग बोन फायर यूज करते हो तो आप लोगों को 3 बोन फायर मिलता है, लेकिन इस अपडेट के बाद से जो आप लोगों को सिर्फ 2 बोन फायर मिलने वाला है। एंड अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा जो अंडर रेटेड मतलब सबसे कम यूज होने वाला लोड आउट है वो है आर्मर क्रेट। तो नेक्स्ट अपडेट में जो आर्मर क्रेट को थोड़ा सा मतलब बफ किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग साइड बाई साइड कंपेरिजन देख सकते हो आर्मर क्रेट का। अभी अगर आप लोगों ने CS में इसको यूज किया तो आप लोगों को हर एक राउंड के बाद जो है 80% जो आपका आर्मर का ड्यूरेबिलिटी है वो मिल जाता है वापस, लेकिन इस अपडेट के बाद जो है आप को हर एक राउंड में रैंडमली अभी पता नहीं कैसे मिलेगा, लेकिन किसी राउंड में आप लोगों को आर्मर मिलेगा तो किसी राउंड में आप लोगों को जो हेलमेट का थिकनर होता है वो मिल सकता है, एंड इसी के साथ जो वेस्ट एचपी बूस्टर है वो भी मिल जाएगा आप लोगों को इस आर्मर क्रेट से। तो दूसरे किसी लोड आउट में तो मुझे चेंजेस नहीं दिखा। तो यही थे दोनों लोड आउट चेंजेस, एक बोन फायर को नर्फ किया जा रहा है एंड जो आर्मर क्रेट है उसको बफ किया जा रहा है। तो आप लोगों को पता होगा कि करंटली अगर आप लोग गेस्ट अकाउंट से अकाउंट बना के रखते हो एंड अगर आप लोगों ने अपना एंड्रॉइड सिस्टम अपग्रेड किया तो काफी टाइम ऐसा होता है कि आपका जो गेस्ट अकाउंट है वो रिमूव हो जाता है। तो अभी जो है वो रिकवर मतलब गेस्ट अकाउंट को रिकवर करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया है, एंड इसका जो आप लोगों को पूरा पता चलेगा जब ये पैच अपडेट आएगा, क्योंकि एडवांस सर्वर में इसको पूरी तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। तो इस रिकवर बटन की तरह ये जो है एक और BR स्कोर कार्ड करके भी बटन आया है गेम में, एंड इसका भी जो है कोई यूसेज यहाँ पे गड़ीना वालों ने बताया नहीं है, एंड इसका जो इन्फॉर्मेशन बटन है वो भी काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को कोई डिटेल नहीं दे पा रहा हूँ। एंड मुझे अगर पता चलता है तो मैं किसी भी शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को इसको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अगर मैंने अभी आप लोगों को क्वेश्चन किया कि आप लोगों को गेम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या मिलता है, सो आप लोगों को यही बोलोगे कि फेक डैमेज एंड जो आप लोगों का पिंग इशू है यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सो नेक्स्ट अपडेट में ये दोनों को चेंज किया जा रहा है, मतलब इन दोनों के ऊपर अपडेट मिल रहा है आप लोगों को। सो एक अपडेट होने वाला है नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन का, एंड इसको अगर आप लोगों ने ऑन कर दिया तो आपका मोबाइल डेटा मतलब सेलुलर नेटवर्क एंड वाईफाई नेटवर्क को आप लोग एक साथ यूज कर सकते हो, जिस वजह से आपका जो पिंग इशू है वो नहीं होगा। एंड एक और होने वाला है डैमेज नंबर करके ऑप्शन, यहाँ पे आप लोगों को 3 ऑप्शन दिख रहा होगा, प्री वेरिफिकेशन, पोस्ट वेरिफिकेशन एंड स्पाय। तो इनमें से अगर आप लोगों ने प्री वेरिफिकेशन को ऑन करके रखा तो क्या होगा, जब आप एनिमी को हिट करोगे उसी टाइम पे जो आप लोगों का डैमेज इंडिकेटर मतलब डैमेज दिखा देगा, एंड वहाँ पे अगर आप लोगों का नेटवर्क स्लो हुआ या फिर डैमेज आया तो उसका गारंटी गेम नहीं लेने वाला है। बट अगर आप लोगों ने पोस्ट वेरिफिकेशन ऑन करके रखा तो वहाँ पे क्या होगा, जब आप एनिमी को हिट करोगे उसको जब डैमेज मिलेगा उसके बाद आप लोगों को डैमेज शो करेगा, मतलब फेक डैमेज का कोई सीन नहीं होने वाला है। एंड अगर आप लोगों ने स्मार्ट को ऑन करके रखा तो नॉर्मली वो प्री वेरिफिकेशन पे ही चलेगा, लेकिन अगर आप लोगों का नेटवर्क स्लो हो गया तो वो पोस्ट वेरिफिकेशन में अकेले ही शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी आप लोगों को पता होगा कि गेम खेलते टाइम आपके जो स्पेक्टेटर्स होते हैं चाहे वो रैंडम टीममेट्स हो या फिर आपके एनिमीज हो, वो लोग जो इमोशन सेंड कर पाते हैं, एंड उससे जो आप लोगों को काफ़ी टाइम ऐसा होता है गेम खेलते टाइम प्रॉब्लम होता है या फिर आपका जो गेम प्ले है उसमें थोड़ा दिक्कत आता है। तो उसको जो अभी आप लोग ऑफ नहीं कर सकते हो, बस इस पैच अपडेट के बाद जो है रिसीव इमोशन फ्रॉम स्पेक्टेटर का ये ऑप्शन आने वाला है, इसको अगर आप लोग ऑफ कर दोगे तो वो इमोजी सेंड नहीं होगा। तो अगर आप लोगों का फोन का रैम कम है एंड आप लोग जब गेम खेलते टाइम अगर आप लोगों को गेम प्ले वीडियोस रिकॉर्ड करना होता है तो वहाँ पे बहुत लैग करता है, एंड हमारा जो गेम का रिप्ले सिस्टम है वो भी बहुत मतलब लो क्वालिटी का होता है, इसलिए काफ़ी लोग उसको यूज़ करना प्रीफर नहीं करते हैं। एंड मेरा भी जो है 4GB रैम का ही फ़ोन है, एंड मैं भी जो है रिकॉर्डर मतलब ये रिप्ले सिस्टम को प्रीफर नहीं करता हूँ, मैं दूसरे रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करता हूँ गेम को। बट इस अपडेट में जो है इसका मतलब ग्राफिक क्वालिटी को आप लोग कस्टमाइज कर सकते हो, फिर अगर आप लोगों को लॉबी में भी रिकॉर्ड करना है तो आप लोग कर सकते हो, साउंड को आप लोगों को रिकॉर्ड करना है कि नहीं ये भी आप लोग कस्टमाइज कर सकते हो। सो आई थिंक ये इस अपडेट का वन ऑफ द बेस्ट चेंजेस होने वाला है मेरे लिए। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट चेंज की तरफ, एंड ये होने वाला है बरमूडा मैप के अंदर कुछ चेंजेस। तो ये पहला चेंज आप लोग देख सकते हो पोचिनॉक के अंदर, यहाँ पे जो फेंस होता है वो हटा दिया गया है, एंड यहाँ पे छोटे छोटे कुछ डब्बे ऐड कर दिया गया है कवर के लिए, एंड ये जो डब्बे है ये आप लोगों को कभी कहीं पे भी मिलेंगे, मतलब पोचिनॉक में बहुत सारे जगह पे मिलेंगे।
एंड ये जो डबल डोर रहता है उसको, और ये जो मतलब ये गराज रहता है इसको जो डिस्टेंस है ये थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। एंड ये जो छोटे छोटे डब्बे ये पूरे मैप में मतलब पोचिनॉक में बहुत सारे जगह पे फैला दिए गए। एंड मुझे जो दूसरा चेंज दिखा है वो दिखा है ये मिल पे। सो मिल पे यहाँ पे जो स्टेयर होता है उसको चेंज करके इस तरीके का स्टेयर यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को ये चेंजेस अच्छे लगे या फिर नहीं। सो हमारा नेक्स्ट चेंज होने वाला है बैटल रॉयल मोड के अंदर। सो जब आप गेम स्टार्ट करोगे यहाँ पे आप लोगों को एक मिशन मिलेगा, एंड ये मिशन जो है पूरे मैप के बंदों के लिए ही होगा। एंड जो भी प्लेयर इसका 100% होने के टाइम पे जो भी प्लेयर इसको कंप्लीट करेगा उसको जो है ये मिशन का रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे मुझे मिला, यहाँ पे देखो आप लोग कि मैं जब लैंड कर रहा हूँ यहाँ पे 70% हो चुका था, एंड मैंने जैसे ही एक किल किया ये 100% कंप्लीट हो गया। इसीलिए मुझे जो एक छोटा सा जोन कहाँ पे बनेगा वो इस पहले जोन में ही पता चल गया। इसी तरीके से रैपिडली आप लोगों को कुछ भी मिशन मिलेगा एंड उसका जो रिवॉर्ड है वो भी हर एक मैच में चेंज होता रहेगा। सो जब लास्ट एडवांस सर्वर आया था वहाँ पे मैंने आप लोगों को वीडियो में जो है ब्लू मेकर करके एक नया आइटम दिखाया था, बट गरीना वालों ने जो है पैच अपडेट के बाद उसको गेम में ऐड नहीं किया था बस। बट इस बार का जो एडवांस सर्वर है इसमें भी जो है ब्लू मेकर दिखा रहा है, एंड होप करते हैं कि इस बार ग्लू मेकर आ जाए, बिकॉज ग्लू मेकर का जो एबिलिटी है वो बहुत बढ़िया है। आप लोगों को बहुत सारा ग्लूअल्स थोड़ा सा खेलने पे ही मिल जाता है, एंड ग्लूअल का जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल दूर हो जाता है गेम। सो हमारा जो ग्लू मेकर है अगर ये गेम के अंदर इस सीजन आता है, सो हमारा जो मिस्टर वेगर का एबिलिटी है उसको भी थोड़ा चेंज किया जाएगा। एंड अभी करेंटली जो आप लोगों के पास अगर 2 ग्लूअल से कम ग्लूअल होता है तो 100 सेकंड के अंदर एक ग्लूअल बना के देता है मिस्टर वेगर। एंड इस अपडेट के बाद ये ग्लूअल तो बना के देगा, साथ में जो आप लोगों को 200 ग्लू मेकर EXP भी देगा। सो हमारा जो नेक्स्ट चेंज होने वाला है वो होने वाला है हॉरिजोलाइन के साथ। सो यहाँ पे आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हो साइड बाई साइड कंपेरिजन करेंटली जो हॉरिजोलाइन है एंड जो नेक्स्ट हॉरिजोलाइन होने वाला है उसका। सो यहाँ पे देखो ग्रेनेड मैंने फोड़ा, एंड यहाँ पे मैंने हॉरिजोलाइन सेम टाइम पे यूज करना शुरू किया, एंड यहाँ पे एनिमेशन में भी थोड़ा सा चेंजेस है, एंड हॉरिजोलाइन भी जो है थोड़ा सा फास्ट यूज कर रहा है। सो ये जो चेंज है ये हमें CS में तो इफेक्ट नहीं करने वाला है, बिकॉज CS रैंक में तो हमें हॉरिजोलाइन नहीं मिलता है, बट BR रैंक में इसके इफेक्ट बहुत ज्यादा होने वाला है, ये तो गारंटी। सो आज की इस एडवांस सर्वर वीडियो में इतना ही, मिलता है आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। एंड ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसीलिए और चेंजेस मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, एक और नई वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा एडवांस सर्वर। तो उस वीडियो के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना पड़ेगा। सो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलता है आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर एंड टाटा।